केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे अपने पैतृक गांव बड़हिया। टिकट मिलने के बाद पहली बार अपने गांव बड़हिया पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी किया मुलाकात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने पैतृक गाँव बड़हिया पहुंचे, जहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोकसभा चुनाव में बेगूसराय संसदीय सीट से एक बार फिर से टिकट मिलने के बाद पहली बार बड़हिया पहुंचे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने बड़हिया नगर परिषद स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने आम लोगों से मुलाकात कर कुशल क्षेम पूछा। केंद्रीय मंत्री के अपने गाँव पहुँचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी मुलाकात किया। इस दौरान लोगों ने बेगूसराय संसदीय सीट से एक बार फिर से बड़ी जीत की अग्रिम बधाई दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के सांभो बिजुलिया के लिए निकल गए। इस बार लोकसभा चुनाव से आपको मुंगेर बेगूसराय से टिकट मिला है, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार होंगे, कितने? बिल्कुल, मोदी जी ने देश को दुनिया में एक स्थान पर ले जाने का काम किया है, विश्व गुरु बनाने का काम किया है। एक तरफ विकास किया है चंद्रयान से लेकर के गांव के सड़कों तक, और दूसरे तरफ भारत के सांस्कृतिक धरोहर सनातन के वैभव काल है ये। इसलिए देश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार चुका है, और नरेंद्र मोदी ही हम लोगों के, नरेंद्र मोदी को जिताना है। अभी उम्मीदवार केवल मात्र उनका प्रतीक है, नरेंद्र मोदी को जिताना। 400 सीट के लिए कह रहे हैं, हाँ, वह आएगा 200% आएगा। जिसको भरम हो वो भरम में रहे, देश की जनता देगी दक्षिण से उत्तर। महागठबंधन में कांग्रेस में चल रहा है शेयरिंग के बात पर, वो गठबंधन है ही नहीं, वो ठगबंधन है, और उसमें फोटो सेशन केवल होता है।